बुरहानपुर प्रेस क्लब संगठन के खिलाफ साजिश रचने वालों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। एक दिन पूर्व बुरहानपुर प्रेस क्लब को बदनाम करने के लिए साजिश रची गई थी। बुरहानपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष योगेश वर्मा को बदनाम करने को साजिश रची गई थी। फर्जीवाड़ा कर पोस्ट वायरल का षड्यंत्र रचा गया था। बुरहानपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष योगेश वर्मा ने क्लब के पत्रकारों की आपात बैठक बुलाई। बैठक में अध्यक्ष ने पत्रकारों से अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया कि बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। फर्जी खबर प्रकाशित करने वाले एक्सपोज एक्सप्रेस अखबार के पीडीएफ बनाकर कटिंग की वायरल की गई थी। संपादक पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। फर्जी पोस्ट को वायरल करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। पुलिस पूरे मामले में जाँच कर रही है। स्थानीय पुलिस जाँच पड़ताल में लगी है और कहा है कि दोषियों को जेल भेजा जाएगा। मामले में शैलेंद्र शर्मा पुरनपुर प्रेस क्लब महामंत्री और फूल बाबू प्रेस क्लब के साथी और योगेश वर्मा पुरनपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। महामंत्री जी, पुरनपुर प्रेस क्लब, रजिस्टर्ड प्रेस क्लब और प्लस प्रेस क्लब के अध्यक्ष योगेश वर्मा पे पोस्ट के द्वारा आरोप लगाए गए हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, 14 दिसंबर को एक पोस्ट वायरल की गई थी जो कि कोर्ट रजि दस्तावेजों का प्रयोग किया गया था। उसमें एक्सपोज एक्सप्रेस नामक एक बैनर का नाम लिया गया था जो कि काफ़ी सर्च करने के बावजूद वो कहीं नहीं है। पूरे भारतवर्ष में वो कहीं नहीं है। एक वो मध्य प्रदेश में कोई सुना था, वो भी कोई उनका पोर्टल न्यूज़ है, उन्होंने वो बोले भैया हमारे साथ कोई मतलब नहीं है। तो उस एक्सपोज एक्सप्रेस जो कोर्ट रचित दस्तावेजों का प्रयोग करके उसमें एक फर्जी पोस्ट बनाई गई थी, उसमें अध्यक्ष योगेश वर्मा की छवि धूमिल करने के लिए उन पर कई आरोप लगाए गए थे। वो पूरी तरह से निराधार है। वो पुरनपुर प्रेस क्लब के पत्रकारों के बीच फूट डालने का काम किसी ने किया है और बहुत ही अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दिया है। उस मामले में आज दिनांक 15 दिसंबर को हम लोगों ने पुरनपुर कोतवाली में तहरीर दी है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। जिन जिन लोगों ने वो पोस्ट वायरल की है, छवि धूमिल का करने का प्रयास किया है, जिन जिन सोशल मीडिया ग्रुपों पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, जिन जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो पोस्ट वायरल हुई है, उन सबके खिलाफ जो है उस मुकदमे में नाम जोड़े जाएंगे। उन सबको पुलिस जो है गिरफ्तार करेगी। कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुरनपुर प्रेस क्लब के पत्रकारों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रेस क्लब पुरनपुर के अध्यक्ष जी के प्रति एक पोस्ट वायरल हुई थी जिसमें उनको काफ़ी क्षति पहुँची है मानहानि की, इस बारे में क्या कहें? क्या कहूँ मैं, पुरनपुर प्रेस क्लब रजिस्टर्ड जो है एक पेड़ की तरह है और हमेशा उस पेड़ से हमेशा लोगों को तकलीफ होती है जिसमें फल उगते हैं। लोग पत्थर भी फेंकते हैं, लोग उनकी जड़ों में तेजाब डालने का भी काम करते हैं। यही सब काम किए गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे जो योगेश वर्मा जी बड़े भाई हैं, वो हमेशा जनहित के कार्यों को उजागर करना और जनहित के खिलाफ जो कार्य होते हैं उनको हमेशा नेस्तोनाबूद करने का कार्य करते हैं। इसी यही तकलीफें लोगों को हजम नहीं हो रही हैं जिसके लिए उन्होंने ये उनकी छवि को धूमिल करने का काम किया। हम एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे उन सबको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए। इसके लिए मुकदमे की प्राथमिक कार्रवाई कर दी गई है, आगे कार्रवाइयां जारी रहेंगे। लगातार विरोधी लोग जो हैं कि इस तरीके से कृत्य कर रहे हैं, इस सिलसिले में प्रेस क्लब क्या संज्ञान लेगा? संज्ञान लेंगे क्या? संज्ञान तो हम लोगों ने ले लिया है। लगभग सभी साथी हमारे सक्रिय हैं इसमें और एक एक आदमी को खोज के निकालेंगे। जमीन दोज भी हो जाएगा तो उखड़ के निकालेंगे, आसमान में चला जाएगा तो नीचे उतार के निकालेंगे। लेके ले जाकर हम जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करेंगे और पुलिस इसके लिए हमारी पूरी मदद करेगी और नहीं करेगी तो पुलिस के खिलाफ भी दरी बट्टा बिछाकर बैठ जाएंगे। मेरा नाम योगेश वर्मा है, मैं पुरनपुर प्रेस क्लब का रजिस्टर्ड प्रेस क्लब का अध्यक्ष हूँ वर्तमान में और हमारे साथी सभी हमारे साथ हैं। आपके प्रति एक पोस्ट वायरल की गई है जिसमें आपको छवि धूमिल हुई है, इस बारे में क्या कहें? ये षड्यंत्र रूप से किसी अज्ञात व्यक्ति ने मेरे खिलाफ एक्सपोज एक्सप्रेस नाम से मोनोपोलेटेड किया है उसको और खुद जनरेट किया है, उसको पुलिस ढूंढ रही है, उसके खिलाफ मुकदमा लिख गया है। हमारे साथी के सहयोग से हमारे सभी साथियों ने, हम लोगों सुबह कोतवाली गए थे और क्राइम कोतवाल उमेश जी मिले थे, उन्होंने तुरंत तहरीर पे मुकदमा लिख दिया है। हम उनके बहुत आभारी हैं और उन्होंने कहा है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, सम्मान में आपके ठेस पहुंचाया है, हमारी छवि को धूमिल किया है और जो लोग उस पोस्ट को वायरल कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, उनका नाम भी उस मुकदमे में शामिल करा जाएगा। सभी लोगों ने, हमारे भाइयों ने उनके स्क्रीनशॉट ले रखे हैं और जो भी उस पोस्ट को वायरल करेगा, क्योंकि वो
तथाकथित लोगों ने षड्यंत्र रूप से उसको जनरेट किया है और सोशल मीडिया पे चलाया है और वायरल जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा लिखेगा और वो भी जेल भेजे जाएंगे। और हमारा पूरा प्रेस क्लब एक है और पत्रकार एकता जिंदाबाद, प्रेस क्लब पूरनपुर जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।